प्लीज सदन में जो विषय वो कर रहे हैं ना बात बता रहे हैं नहीं बैठी है ऐसा नहीं होता जो सदन में विषय प्रोफेसर थॉमस ने उठाया है yes. मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ प्लीज कीप क्वाइट 10,000 लोग फंसे हैं बाहर देश में वो कुछ कर रही है और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे व्हाट इज दिस मैं अपने सभी सांसद साथियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप 2 मिनट ये विषय बहुत गंभीर है इसके बारे में मेरा वक्तव्य सुन लीजिए उसके बाद आप अपनी बात कहिए अध्यक्ष जी बैठिए बैठिए सब मत चिल्लाइए बैठिए आप बैठिए ना प्लीज क्या करें हाँ प्लीज अलो हर स्टेटमेंट अलो हर स्टेटमेंट आपस में मत लड़िए प्लीज टेक योर सीट Please, Thomas, no, this is not the way. Yes, I know. अध्यक्ष जी प्लीज प्लीज एक बात सुनिए यस मैं भी समझ रही हूँ आप सबसे निवेदन है 10,000 से भी ज्यादा लोग अगर कहीं अटके हैं देश के बाहर है माननीय विदेश मंत्रालय पूरी मदद भी कर रहा है आपके अपने लोग हैं थोड़ा सा थोड़ी सी शांति रखो बात समझो क्या है बहुत महत्वपूर्ण बात पे स्टेटमेंट हो रहा है आपस में नहीं लड़े प्लीज कीप क्वाइट यस मिनिस्टर अध्यक्ष जी यस जो विषय प्रोफेसर थॉमस ने सदन में उठाया है और अन्य साथियों ने अपने आप को उसके साथ संबद्ध किया है मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि उस विषय को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया परसों मुझे इस बात की जानकारी मिली कि हमारे वर्कर्स वहाँ फंसे हुए हैं और वो भूखे प्यासे हैं तुरंत मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद और सीजी जद्दा से बात करके ये कहा कि 5 कैंपों में जहाँ वो वर्कर्स रह रहे हैं तुरंत फ्री राशन वितरण करने का काम करो और उसी समय मैंने इंडियन कम्युनिटी से भी अपील की कि वो भी इस काम में हाथ बटाएं और मैंने ये भी कहा कि मैं इसकी व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रही हूँ हर घंटे में मुझे इस पर रिपोर्ट चाहिए मुझे आज संतोष है सदन में ये बात कहते हुए कि आखिरी संदेश मुझे रात के 2:45 बजे आया कि इस समय 5 कैंपों में राशन वितरण का काम पूरा हो गया है रात 2:45 बजे तक एम्बेसी और जद्दा सीजी के लोग साथ में इंडियन कम्युनिटी के लोग मिलकर राशन वितरित करते रहे और हफ्ते 10 दिन का राशन हर कैंप में देकर आए लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है वास्तव में ये ऐसी कंपनियां हैं जो बंद करके चली गई फैक्ट्रियां और देश भी छोड़कर चले गए अब इन लोगों को हम वहाँ फंसे नहीं रहने देना चाहते तो कल हमने उनके फॉरेन ऑफिस से भी संपर्क किया और उनके लेबर ऑफिस से भी संपर्क किया सऊदी अरब में एक नियम है कि अगर आप कोई इमरजेंसी एग्जिट वीज़ा दे के अपने लोगों को निकालना चाहते हैं तो पहले एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अब एम्प्लॉयर है ही नहीं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन देगा तो हमने फॉरेन ऑफिस से कहा है कि वो हमें ये ऑथराइज कर दें कि हम अपने लोगों को यहाँ से निकाल कर लेकर जा सकें लेकिन इसके साथ साथ उनका बहुत बकाया वेतन पड़ा है तो हमने उनके लेबर ऑफिस से ये कहा कि ये सारे के सारे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे कि जितने ड्यूज उस कंपनी के आपके पास हैं उसमें पहले आप इनका बकाया देंगे उसके बाद आप कंपनी के ड्यूज सेटल करेंगे तो ये दोनों काम कल हो गए हैं जनरल वीके सिंह स्वयं सऊदी अरब जा रहे हैं वहाँ बैठकर इन दोनों कामों को करके हम उनको स्वदेश वापस भी लेकर के आएंगे और भोजन की कोई समस्या नहीं है मैंने ट्विटर के माध्यम से देश को कहा था आज इस सदन के माध्यम से देश को कहना चाहती हूँ हमारा एक भी श्रमिक जो वहाँ बेरोजगार है वो भूखा नहीं रहेगा उसको खाना पूरा मिलेगा ये मेरा आश्वासन है इस सदन के माध्यम से आप बहुत सुंदर बहुत अच्छा काम किया है प्लीज बी क्वाइट नाउ नो शी हैज डन एवरीथिंग शी हैज डन नो प्लीज प्लीज टेक योर सीट
दिस इज नॉट द वे. नो नो नो, इतना काम तो किसी ने नहीं किया होगा. बैठिए बैठिए बैठिए, समझ लीजिए. नो नो.